पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और ये हमारा स्पेशल कार्यक्रम है नहले पे दहला। हमारे साथ अभी फोन लाइन पे बाबा बने हुए हैं। बाबा, एक प्रश्न है, जिस प्रकार अभी पश्चिम बंगाल में अभी माहौल बना हुआ है, तो वहाँ क्या राष्ट्रपति शासन लग सकता है? और एक सवाल और है कि नीतीश नायडू गेम से आउट हो सकते हैं, तो क्या जो सरकार है वो गिर सकती है क्या बाबा? देखिए बाबा, सिर्फ बंगाल की ही बात मत कीजिए, पूरे देश की बात कीजिए। और पूरे देश की बात जब आप करेंगे तो बंगाल भी उसका एक पार्ट है। हालांकि पार्ट तो उत्तर प्रदेश भी है, पार्ट तो महाराष्ट्र भी है, पार्ट बिहार भी है, और ऐसे राज्य जो बड़े राज्य हैं जहां केंद्र में सरकार बनाने के लिए जो सांसदों की जरूरत होती है उसके जुगाड़ होते हैं। तो इन राज्यों ने इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से चाहिए उस तरह से समर्थन नहीं दिया है। इन सभी राज्यों में आप देख लीजिए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई है, और पिछड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी की 32 सीटें कम हो गई है। अब 32 सीटों के जुगाड़ में हम आपको पहले दिन से ही बता रहे हैं, जब 4 जून को रिजल्ट आया था तब से हम लगातार बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर हाल में 5 साल तक सरकार चलाने के लिए अपने आंकड़ों का जुगाड़ करती रहेगी। हालांकि अभी तो वर्तमान परिस्थिति में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जो 32 की संख्या सरकार बनाने के लिए चाहिए वो नीतीश कुमार और नायडू पूरा कर रहे हैं। इसमें भूमिका चिराग पासवान की भी है, लेकिन जिस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है आपको निश्चित रूप से ये समझ में आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ खेल भीतर में चल रहा है। खेल क्या चल रहा है? तो बिहार में 5 सीट वाले चिराग पासवान को लेकर के आपने देखा होगा कि पिछले करीब 2-3 दिनों से ये चल रहा है कि उनके 5 में से 3 सांसद जो हैं वो फरार हो जाएंगे। जी जी, यानी कि जो 32 में हैं उसमें से 3 का जुगाड़ तो हो जाएगा, तो 3 का जुगाड़ हो जाएगा तो उसमें बचते कितने हैं? 29। पश्चिम बंगाल में कितने सांसद हैं? 29। यानी कि सरकार बनाने की स्थिति और बनाए रखने की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो जाती है यदि पश्चिम बंगाल में कुछ होता है तो। लेकिन सिर्फ पश्चिम बंगाल की ही बात हम क्यों करें? अगर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो आपने जो पूछा कि राष्ट्रपति शासन लगेगा, अगर राष्ट्रपति खुद ही कहने लगे मैं निराश हूं और भयभीत भी हूं, अब बहुत हो गया, इसके मायने क्या कहे जाए, इसके मायने आप क्या निकाल सकते हैं? इसके सीधे मायने होते हैं कि जो हम पिछले करीब 15 दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दिल्ली पहुंचे, वहां उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, प्रधानमंत्री को दिया, गृह मंत्री को दिया और राष्ट्रपति को भी उन्होंने अपनी बात से अवगत कराया। ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी घटनाएं घटी हैं उस घटना को लेकर के निश्चित रूप से वो मर्माहत करने वाली दुखद घटना है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटनाओं को की घोर निंदा और इस पर किसी न किसी रूप में कंट्रोल किया जाना चाहिए। लेकिन ये घटना सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं है, देश के अन्य राज्यों में इस तरह की घटना हो रही है। आपको पता होगा कि मणिपुर को लेकर के ये पूरा देश जल रहा था, मणिपुर को लेकर के जो कुछ बातें हुई वहां भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, और वहां यहां तक कहा जाता है कि राज्यपाल ने भी वहां से रिपोर्ट जो सौंपी थी उस रिपोर्ट के आधार पर वहां कड़े शासन की जरूरत थी। खैर, इस बात पर जो भी हुआ अब तो वो अतीत हो गया है, लेकिन वर्तमान में अगर हम पश्चिम बंगाल की तरफ देखते हैं तो हमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार को भी देखना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह से ये कुकृत्य हो रहा है, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश भी खौला हुआ है, उत्तराखंड में भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, और बिहार में भी आपने देखा होगा कि कई ऐसी घटनाएं हैं जो घटी हैं और जिस पर सरकार संज्ञान ले रही है। लेकिन इन सारी स्थितियों को लेकर के जो पश्चिम बंगाल में हुआ उसको सबसे ज्यादा हृदय विदारक और कहा जा रहा है कि कुकृत्य वाली घटना है, क्रूरता की हद कर दी गई है। अब ऐसी स्थिति में कोलकाता के आरजी अस्पताल में जो महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर के अभी विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को लेकर के मीटिंग भी बुलाई थी और 12 घंटे के बंगाल बंद की बातें भी कही थी। अब इस बात को लेकर के ममता बनर्जी भड़की हुई थी, पर ममता बनर्जी ने चेतावनी भी दिया था कि इस तरह की कोई भी घटना होती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और
प्रशासन जो है निपटेगा। तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कई बातें कही और उन्होंने अस्पताल की घटना के मामले में कुछ लोग अपनी पार्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं और बंगाल को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की बातें कह करके ममता बनर्जी ने एक संकेत दिया है। यही संकेत आप देख लीजिए कि एक तरफ ममता बनर्जी ये बातें कहती हैं, दूसरी तरफ देश की राष्ट्रपति एक चिट्ठी जारी करती हैं और चिट्ठी जारी करके अपना दुख जाहिर करती हैं। बंगाल में जारी हिंसा उपद्रव को के संदर्भ में राज्य जिस तरह से अपने आदेश जारी कर रहा है और विरोध प्रदर्शन के लिए जो भाजपा अड़ी हुई दिखाई दे रही है, इसके क्या मायने निकाले जाए। हालांकि इस तरह की घटना होती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रदर्शन तो होते ही है। ममता बनर्जी ने स्पष्ट कहा है कि सिर्फ ये बंगाल की घटना नहीं है, ठीक है बंगाल में जो हुआ उसके लिए निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन को ध्यान देना होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन असम, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली भी जलेंगे, ऐसा उन्होंने साफ साफ कहा है। कहा है कि बंगाल की घटना सिर्फ बंगाल नहीं है बल्कि बंगाल के साथ साथ और भी कई राज्यों में इस तरह घटनाएं हुई हैं और वहां भी अगर इस तरह की कोई घटना होती है, इस तरह से सरकार को पदच्युत करने का या राष्ट्रपति शासन लगाने का कोशिश किया जाता है किसी अलग रास्ते से, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बंगाल का असर देश के अन्य राज्यों में भी पड़ेगा और अराजक स्थितियां पैदा होंगी। ममता ने कहा है कि अगले हफ्ते विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर राज्य सरकार दुष्कर्म के लिए 10 दिनों के भीतर मृत्यु दंड सुनिश्चित करने के लिए एक संशोधित विधेयक पारित कराएगी। ये बहुत बड़ा स्टेप है ममता बनर्जी का और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा भी ये जो अपना विचार है वो प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रपति ने 9 अगस्त को कोलकाता में हुई घटना को लेकर के अपनी बात रखी है। एक निजी समाचार माध्यम से बात करते हुए उन्होंने अपनी बात को रखा है। राष्ट्रपति ने अपने चिट्ठी में लिखा है कि कोई भी सभ्य समाज बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचार की अनुमति नहीं दे सकता है। राष्ट्र का आक्रोश होना स्वाभाविक है और मैं भी आक्रोशित हूँ। मुर्मू ने कहा है कि छात्र, डॉक्टर और नागरिक कोलकाता में जब प्रदर्शन कर रहे हैं तो उस समय भी अपराधी अन्यत्र शिकार की तलाश में घात लगाए हुए हैं। पीड़ितों में छोटी छोटी स्कूल की बच्चियां भी शामिल हैं, ये काफी दुखद है। ऐसा कह करके कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। अब आपको बता दें कि इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट की तरफ आप ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की घटना शासन की तरफ से जिस तरह से चूक हुई है या जिस तरह से प्रशासनिक चूक हुई है, निश्चित रूप से उसके लिए मुख्यमंत्री कटघरे में खड़ी हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बंगाल की सरकार को अस्थिर करके अपनी केंद्र की सरकार को बचाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ नीतीश और नायडू को आउट करके पश्चिम बंगाल में, आपको याद होगा अब है, मैंने कुछ दिन पहले खबर किया था कि जो नीतीश और नायडू हैं उन दोनों को मिलाकर के अकेले ममता बनर्जी यदि एनडीए का हिस्सा हो जाती हैं तो एनडीए को इन दोनों की जरूरत नहीं होगी और एक साधे सबसदे वाला कार्य भी पूरा हो जाएगा। मैंने इस बात को बड़ी गंभीरता से रखा था और आज उसी तरफ बढ़ता हुआ यह राजनीतिक परिदृश्य देखा जा रहा है। हालांकि घटना की चर्चा अलग है और राजनीतिक चर्चा अलग है। अगर देखा जाए तो देश भर में इस बात की चर्चा हो गई है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में सरकार बनाने और सरकार गिराने का खेल खेला है, हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी अकेली नहीं है, इससे पहले कांग्रेस भी लंबे समय तक शासन किया है इस देश पर और उसने भी इस तरह की कई सरकारें गिराई हैं और बनाई हैं। इन सभी विषयों को अगर गंभीरता से देखा जाए तो एक बात साफ नजर आती है कि कई ऐसे गैर भाजपाई राज्य शासित राज्य हैं जिसमें स्टालिन की बात कर ले, हेमंत सोरेन की बात कर ले, केजरीवाल की बात कर ले, भगवंत मान की बात कर ले, सिद्धरमैया की बात कर ले या फिर रेवंता रेड्डी की बात कर ले, ये सभी राज्य गैर भाजपा शासित राज्य हैं और इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर आप देखे होंगे कि कहीं ना कहीं विशेष रूप से इन पर कई तरह के आरोप लगे हैं। इसमें से कई तो जेल गए हैं और कई आज भी जेल में हैं, कई लोगों के जेल जाने की तैयारी भी चल रही है, इन पर विभिन्न तरह की जांच एजेंसियां भी काम कर रही है और इस तरह से गैर भाजपाई राज्यों में जो
विभिन्न जांच एजेंसियों का दबिश बन रहा है, मुख्यमंत्री और बड़े बड़े जो वहां के अधिकारी हैं या पुराने नेता हैं, मंत्री हैं, उन पर दबिश बनाया जा रहा है, उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें कही जा रही है। यहां तक कि पश्चिम बंगाल में भी आपको पता होगा कि ममता बनर्जी से लेकर के उनके कैबिनेट के कई मंत्री, उनके परिवार के सदस्य जांच एजेंसियों के घेरे में है। अब ऐसी स्थिति में जो चीजें सामने आ रही हैं वो 2014 से ही शुरू हुई हैं। आपको याद होगा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में मात्र 2 लोकसभा की सीटें जीत पाई थी। इसके बाद 2019 में 18 सीटें मिली, और 18 सीटें किस परिस्थिति में मिली आपको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि तब देश में एक अलग तरह की धारा बह रही थी और राष्ट्रवाद का उबलता हुआ लोगों का आक्रोश था। इसके साथ 18 सीट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि वो पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार भी बना सकती है, यानी राज्य में भी उसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोगों ने 18 सीटें 42 में से दिया था। इन सभी परिस्थितियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार नहीं बना पाई, और अब जो वर्तमान परिस्थिति है 2024 में एक बार फिर से जो आंकड़े बैठाए गए थे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आए। 42 में से मात्र 12 जो सांसद है जीत करके आए पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के, और वहीं 29 सांसद अभी भी हैं तृणमूल कांग्रेस के, जो काफी मजबूत है, और कांग्रेस के साथ भले ही वो इंडिया गठबंधन से अंतिम समय में अपना समर्थन वापस ले लिया हो, अकेले दम पे चुनाव लड़े हो, लेकिन उनका समर्थन इंडिया गठबंधन को है, और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। जहां 32 सीटों की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है, वही विपक्ष अगर अपने दम पर आ जाता है तो 52 जो ऐसे सांसद हैं समर्थन दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को यानी नरेंद्र मोदी की सरकार को, वो अगर अलग हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार गिर सकती है। और इन्हीं का जुगाड़ करने के लिए तथाकथित रूप से ये चर्चाएं चल रही हैं, राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के वो 29 सांसद जो हैं उन पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। हालांकि नजर तो आपको याद होगा कि कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के भी सांसदों पर है, नजर तो नीतीश कुमार के 12 सांसदों पर भी है, और नजर 16 सांसद जो चंद्रबाबू नायडू के हैं उन पर भी है। इन सभी बातों को लेकर के, सभी समस्याओं को लेकर के, जहां एक तरफ राष्ट्रपति के इस चिट्ठी के बाद एक अलग तरह का माहौल बना है और संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि राष्ट्रपति काफी चिंतित हैं और भयभीत भी बता रही हैं, अपने आप को निराश बता रही हैं, तो ऐसी स्थिति में जो रिपोर्ट वहां के राज्यपाल ने सौंपा है उस रिपोर्ट के आधार पर क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा। अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के सटे कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वहां भी पब्लिक आक्रोशित हो सकती है और वहां भी परिस्थितियां बदल सकती हैं। अब तक सत्ता, केंद्र की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही थी, अगर विपक्ष अलग अलग राज्यों में जो भाजपा शासित हैं वहां विरोध करना शुरू कर दिया तो आप समझ सकते हैं कि देश में किस तरह की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब इन सारी चीजों पर कहीं ना कहीं विराम डालने और इस तरह की घटनाओं से इस राज्य के, इस देश के लोगों को बचाने की जरूरत है। अब इसके लिए सरकार क्या काम करती है ये देखना दिलचस्प होगा। जी जी, तो जैसे कि आप सभी दर्शकों ने सुना, बाबा ने बताया, ममता बनर्जी ने स्पष्ट कहा है कि सिर्फ ये बंगाल में ही नहीं बाकी कई राज्यों में ऐसे ही माहौल बने हुए हैं, और जिस प्रकार का बंगाल में स्थिति होता है कभी कभी, वो हर राज्य में कुछ न कुछ ऐसा घटना होता है, और ऐसे में जो भी लोग मिले उसे 10 दिन के अंदर मृत्युदंड दिया जाए, और कहीं ना कहीं इस कारण से मुख्यमंत्री कटघरे में खड़ी है। तो देखिए अब क्या होता है, पश्चिम बंगाल का भविष्य आगे देखा जाएगा कि राष्ट्रपति शासन लागू होता है या नहीं। इसी प्रकार का खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, वो ये वो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।